सलाम मरहबा, मैं हूं तहसीन अफीर तहसीन व्लॉग से, और आज आ चुके हैं हम अपनी फूड स्ट्रीट टक्साली गेट के अंदर। और ये टक्साली गेट, मतलब यहां पर कोई गेट मौजूद नहीं है, पहले लेकिन पहले मौजूद था लेकिन अब नहीं है। टक्साली गेट इस जगह का नाम है, और पहले इसको टक्साल कहा जाता था, और बहुत पहले हिस्ट्री के अंदर इसको रॉयल मिंट कहा जाता था। अब यहाँ पर एक नई फूड स्ट्रीट बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये फूड स्ट्रीट जो है रात को या शाम के टाइम जो है वो ऑन होती है। इस इलाके के बारे में मशहूर है कि ये रात को दिन होता है और दिन को रात होता है, तो इसलिए इस वक्त सुबह सुबह यहाँ पर बिल्कुल वीराना सन्नाटा है। लेकिन आज हम लोग इस फूड स्ट्रीट के लिए यहाँ पर नहीं आए, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए। हलवा पूरी यहाँ की बहुत मशहूर है, और उसको दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने इस हलवा पूरी को शूट किया है, आपने बहुत जगह पर इसको देखा होगा। लेकिन आज हमारा एक सवाल है कि हलवा पूरी है क्या। ये है ताजमहल स्वीट्स, जिसको हलवा पूरी का ताजमहल भी कह सकते हैं। इस दुकान पर सुबह होते ही रश लग जाता है। मुझे तो कुछ ऐसे लोग भी नजर आए कि मानो लगता है कि यहीं सो गए थे और सुबह आंख खुली तो हलवा पूरी की लाइन में लग गए। ताजमहल स्वीट्स अपने स्पेशल हलवे के लिए भी बहुत मशहूर है। इस हलवे को खोए और ड्राई फ्रूट के साथ पेश किया जाता है, जो कि बहुत ही लजीज है, और सूजी की हलवे की तो बात ही कुछ और है। अब बात करते हैं हलवा पूरी की। हलवा पूरी पाकिस्तान और नॉर्थर्न इंडिया में बहुत मशहूर है, खास तौर पर पंजाब रीजन में। हलवा पूरी की तारीख हिंदुस्तान में मुगल दौर से मिलती है, जो कि 16वीं सदी से 19वीं सदी तक जारी रही। इस वक्त के दौरान मुगल बादशाह अपनी शानदार दावतों और जायकेदार पकवानों से मोहब्बत के लिए जाने जाते थे, और हलवा पूरी उन पकवानों में से एक थी, और ये मुगल हुक्मरानों और उनके दरबारियों की बहुत पसंदीदा थी। अब इसको पाकिस्तान और इंडियन खानों का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका नुस्खा बदलता रहा, क्योंकि बहुत सी कम्युनिटीज और खानदानों ने इसे अपने अंदाज से बनाया। ताहम सूजी का हलवा, गहरी तली हुई पूरी और चने का सालन वैसा ही रहा। आज हलवा पूरी ना सिर्फ एक मकबूल नाश्ता है, बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सकाफत का एक प्यारा हिस्सा भी है। शादियों, त्योहारों और खास मौकों पर इसको पेश किया जाता है। ये खित्ते में एक विरसे की अलामत है। तो आ चुके हैं हम इस वक्त हलवा पूरी खाने के लिए, ट्राई करने के लिए, और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के साथ साथ दी है, और यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होगा और बहुत सारी चीज़ों का पता भी होगा, लेकिन हमने पूरी ट्राई की है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें कि हलवा पूरी बेसिकली है क्या। अब हम इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया से यूट्यूबर्स आके उन्होंने इस हलवा पूरी को टेस्ट किया है, और सब ने ही कहा है कि बहुत मज़े की है। तो आज देखते हैं कि हमें कैसी लगती है। फाइनली हमारा नाश्ता आ चुका है। ये आगे है जी हमारा, ये जिसके साथ लगा के हम खाते हैं, चनों का सालन होता है, हाँ। और उसमें आलू मिक्स होते हैं, साथ में ये पिकल है, अचार और साथ सैलेड है, सैलेड है, और ये हमारी गरम गरम भाव। खोलो तो धुआं निकलेगा। ओ ये नॉर्मल सूजी का हलवा, जिसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये मीठी मीठा पूड़ा है, और कुछ चीजें इसमें एडिशन है, लेकिन जो हमारी मेन डिश है वो ये है सूजी का हलवा, पूरी पूरी, और ये ट्रेडिशनल हमारा नाश्ता है। पूरी देखिए, बारीक, ये देखिए बिल्कुल थिन थिन है बिल्कुल। हाँ वाओ, वाह वाह माशाल्लाह। अब हलवा पूरी के साथ एक बाइट। वाह वाह, पहले यहाँ से लेते हैं, हाँ, हलवा, ओके, फिर लेते हैं सलाद, ओके, थोड़े से चने, चने, पिकल, द मिक्स बाइट, मिक्स बाइट, ये देखो, वाह, आफियत आल्सो, आफियत आल्सो,
अब मेरी बारी खाने की, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप सबको पता है कि मेरे जो रिएक्शन है बहुत ही अच्छे निकलते हैं, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है और ये भी मेरी फेवरेट डिशों में से एक है। चलो खाते हैं, ट्राई करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत, देखो कितनी पतली कितनी है, जस्ट दिस वेरी वेरी थिन। अब इसको ट्राई करते हैं हम चनों के साथ। पहले ये प्याज गया ऊपर और ये पिकल। वाओ, आई एम इन हेवन। वाओ, जो तुर्की के लोगों में देख रहे हैं वो इस टेस्ट को इमेजिन नहीं कर सकते। वाओ, ये पाकिस्तानी कुछ ऐसी डिशेज हैं जो आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। यकीनन इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, तुर्की के लोग इतने स्पाइसेस नहीं खा सकते, लेकिन अमेजिंग। अगर आप स्पाइसेस थोड़े से खाना शुरू कर दें तो आप कभी भूलेंगे नहीं, अमेजिंग। अब हलवा ट्राई करते हैं। दिस वन, ये जो हलवा है ये यहाँ का मशहूर हलवा है पूरा, क्योंकि इसमें मिक्स चीज़ें होती हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खोया मिक्स होता है, ये वाइट रंग का खोया है, इसको भी ट्राई करते हैं। दिस वन, दिस वाइट खोया, देन पीनट्स, देन किशमिश एंड देन अखरोट, ये सब डाल के हम खाएंगे। वाओ, फिर ट्राई करो, ट्राई ट्राई। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, अब खोए का जो टेस्ट आ रहा है ना उसमें, वो बहुत मजेदार। ये हाँ, वाह, दिस इज कॉल्ड मीठा पूड़ा। मीठा पूड़ा, और ये भी स्वीट होता है। हाँ, इसको हलवे के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। पाकिस्तान में किसी भी देसी नाश्ते के बाद चाय पी जाती है, लेकिन एक मशरूब ऐसा भी है जो आप पर फर्ज हो जाता है, उसका नाम है लस्सी। इसीलिए मौसम गुज्जर की शॉप पर आए हैं जो इस एरिया में लस्सी के लिए मशहूर है। तुर्की में इस मशरूब को आयरान कहते हैं, लेकिन वो नमकीन होता है। लस्सी इज अ स्वीटर वर्जन ऑफ आयरान। इसमें दही के साथ साथ दही की मलाई भी डाली जाती है और बहुत सारा प्यार भी। नाउ फिर ट्राई करेगी। इतना बड़ा ग्लास। दिस इज अ ट्रेडिशनल ग्लास ऑफ पंजाब। और इसके अलावा ये जो है स्वीट वर्जन ऑफ आयरान, बहुत मजे की है, बहुत अच्छा मीठा है। वेरी नाइस, एक सिप और। अच्छा, यही हमने जो है एक ही ग्लास लिया, क्योंकि वहाँ पर हलवा पूरी खा के तो हमारा तो बुरा हाल हो गया, पेट भर गया बहुत ज्यादा। तो हमने सोचा क्यों ना कि बस एक ही ग्लास पिए, ग्लास का साइज देख रहे हैं मेरे मुंह के साथ, ये साइज मेरे मुंह से बड़ा है। तो ये एक ही काफी है, तो पी के चेक करते हैं। ऊपर मिलाई, वाह, इसका भी टेस्ट आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आयरन का टेस्ट हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पी जाती है। हाँ, जिसको नमकीन लस्सी कहते हैं। अच्छा, ये शॉप कितनी पुरानी है? 63। ये है मलाई, और ये मलाई जो है ये इसके ऊपर वो मलाई है, वो खा रहे हैं। हिंसी ले रहे।
ये देख, ये झाग चेक करें आप। ये था टकसाली गेट के अंदर हमारा हलवा पूरी का नाश्ता, और हलवा पूरी के बारे में हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत इसलिए थी ताकि आपको पता चले कि इस नाश्ते की अहमियत क्या है पाकिस्तान में और इंडिया में भी। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नाश्ता था और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ठंड थी और बहुत ठंड भी थी और बहुत सुबह सुबह हम लोग आ गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो फ़ौरन लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा अगर मजीद कोई वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।